नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं। अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो इन चार खतरों को जरूर ध्यान रखें। मेरे हिसाब से तो ये खतरे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए ये चार ऑप्शन कौन कौन से हैं जो कि आप लोगों को अगर फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी और भी कई सारी बातें हैं फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते समय ध्यान रखने के लिए, लेकिन ये चार काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते समय किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर और इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहे आने वाली वीडियोस की। तो यहां पे दोस्तों अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट आप लोगों कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी, नॉन बैंकिंग सेक्टर में भी, और आप लोगों को कई सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि अभी उभर करके आ रही हैं, फिक्स डिपॉजिट दे रही हैं, यानी कि ऑप्शन दे रही हैं आप लोगों को उनके साथ निवेश करने की। जो कॉर्पोरेट होती है, जो कंपनियां होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि आप लोगों से फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसा अपने लिए लेती हैं और वो अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगाती हैं। तो यहां पे आप लोगों को इन सब चीजों में अलग अलग तरीके से फिक्स डिपॉजिट में पैसा मिलता है। बाकी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप लोग पैसा डालते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी बैंक अपनी अलग अलग क्षेत्र में पैसा लगाती है, फिर आप लोगों को एक फिक्स रिटर्न का स्लैब देती है और वहां से आप लोग गेन करते हैं। तो ये है फिक्स डिपॉजिट का काम कि आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट किस तरह से रिटर्न देता है। अब हम लोग उन चार बातों की बात करते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और मेरे हिसाब से उन खतरों से आप लोगों को बचना चाहिए, एक बार जरूर सोचना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते समय। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी की जो ऑप्शन होती है वो लगभग 100% फिक्स डिपॉजिट में से 10% मिलती है। यानी कि आप लोगों को अधिकतर फिक्स डिपॉजिट में लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, उनमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लोग उनसे पहले पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को चार्जेस भी देने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा संक्षेप में समझाना चाहूं तो अगर आप लोग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे 3 साल के लिए, चाहे 4 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए, तो आप लोग उसमें से जब चाहे तब पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग उस लॉक इन पीरियड के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप लोग उससे पहले निकालेंगे तो आप लोगों को यहां पे उसके लिए पेनालिटी भी भरनी पड़ती है। तो ये तो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है निवेश करने आने से पहले कि अगर आप लोगों को पैसे 1 साल बाद जरूरत है लेकिन आप लोग 2 साल की एफडी कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग को लिक्विडिटी यहां पर नहीं मिलने वाली है। अब दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी चीज, कई लोग फिक्स डिपॉजिट को टैक्स सेव करने के लिए करते हैं, लेकिन टैक्स सेव उन्हीं के लिए है जो सीनियर सिटीजन जो 60 साल के पार कर गए हैं, यानी कि अब जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो उनको यहां पे अधिकतर एफडीज में टैक्स छूट मिल जाती है, यहां पे उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हैं टैक्स छूट के लिए 60 साल से कम के हैं, या फिर अगर आप लोग युवा हैं एफडी करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अधिकतर एफडीज में लगभग 50,000 रुपए तक की आप लोगों की अर्निंग टैक्स फ्री होती है सेक्शन 80 TTB के तहत। तो अगर आप लोग टैक्स सेव करने के लिए आ रहे हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, तब आप लोग टैक्स सेविंग के लिए फिक्स डिपॉजिट को खुलवाइएगा। और दोस्तों नेक्स्ट, जो कि आप लोगों का क्रेडिट रिस्क, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखिए। कई लोग कॉर्पोरेट एफडी के साथ जाते हैं जहां पर उन्हें काफी अच्छा और बेहतर रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये भी एक ऑप्शन है कि कॉर्पोरेट जो एफडीज होती हैं जहां पर आप लोगों को रिटर्न बेहतर मिलता है, तो यहां पर कुछ कंपनियां हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोगों को इनको रेटिंग देती है, जिससे कि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें निवेश कितना सही होगा, कितना सफल होगा और कितने सही तरीके से हमें जो कि हमारा रिटर्न मिल सकता है। तो यहां पे FAAA, FAA, FA ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का इन एफडीज को, इन कॉर्पोरेट एफडीज को, प्राइवेट सेक्टर की एफडीज को रेटिंग देती है, तो इनके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इनके पिछले परफॉर्मेंस को देख करके रेटिंग दी जाती है, तो इनके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारे निवेश पे कितना सेफ्टी मिलती है और किस हद तक हमें अपने पैसे पे रिटर्न मिल सकेगा। तो आप लोग इनकी रेटिंग देखना ना भूलें अगर आप लोग कॉर्पोरेट एफडीज के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न काफी ज्यादा लुभावने मिलते हैं, 9 से 10% तक भी रिटर्न आप लोगों को एफडीज पे मिल जाते हैं। तो आप लोग इन खतरों को भाप कर ही उसमें निवेश कीजिएगा। आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना अच्छा आप लोगों का रिटर्न भी मिलेगा, जितनी खराब रेटिंग होगी आप लोगों के पैसे पे रिस्क उतना ही बना रहेगा। तो आप लोग क्रेडिट रिस्क को जरूर आइडेंटिफाई करके निवेश करें
FDs में। और नेक्स्ट खतरा और नेक्स्ट रिस्क आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब ये रिस्क मैं आप लोगों को एक सजेशन के रूप में भी समझाना चाहूंगा। ये चौथा ऑप्शन है, ये चौथी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि आप लोगों का जो रिटर्न मिलता है FD पे, अगर FD को देखा जाए तो एक सिक्योर रिटर्न के रूप में देखा जाता है। लोग यहां पे पैसा डालते हैं बिल्कुल सिक्योर रिटर्न पाने के लिए, खास करके हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं चाहे बैंक हो, तो वो भी आप लोगों को अपने आपके FDs में 6-8% तक का मैक्सिमम रिटर्न दे देती हैं। बाकी सीनियर सिटीजन के लिए 0.5 एक्स्ट्रा होता है, तो 6-8% तक आप लोगों को रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अदर ऑप्शन भी हैं, FDs के अलावा अदर ऑप्शन भी हैं जहां पे आप लोगों को इनसे बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और सेफ्टी की गारंटी भी तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को सेफ्टी 90% तक मिल जाती है उन पैसों पे रिटर्न, वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को इससे बेहतर रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लमसम कर दीजिए उन्हीं पैसों का किसी अच्छे फंड में, 10 साल पुराने फंड, 20 साल पुराने फंड में आप लोग उसको लमसम कर दीजिए 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वहां से आप लोगों को बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा 12% तक, 14% तक, 15% तक। तो यहां पे आप लोगों को एक बार म्यूचुअल फंड को भी चूज करना चाहिए, वरना अगर आप लोग FD के साथ ही, जैसे ट्रेडिशनल अगर इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं FD को, तो आप लोग अगर ट्रेडिशनली चलना चाहते हैं, हमेशा दर बदर बढ़ते ट्रेडिशनल की तरफ चलना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए मैंने इसको चौथे ऑप्शन पे रखा कि आप लोग इसको समझे और थोड़ा डिटेल में बात करूं। अगर दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप लोगों को बहुत सारे फंड मिल जाते हैं, कई सारे फंड हैं जहां पे आप लोगों को चॉइस आप लोगों के रिस्क के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। अगर आप लोग एकदम हद तक ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो भी फंड आप लोगों को वहां अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल कम रिस्क चाहते हैं तो वो भी उस तरह के भी फंड आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को यहां पे FD के अलावा मैं कहूंगा कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड में लमसम वगैरह को एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए, अगर आप लोग सही तरीके से अपने कमाए हुए पैसे पर रिटर्न लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो आप लोग किसी एजेंट को भी हायर कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हो, जो म्यूचुअल फंड के गाइडर हो, जो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों इन चार बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने आ रहे हैं तो। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, अगर वो फिक्स डिपॉजिट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो इन चार चीजों को एक बार कंसिडर कर सके इन्वेस्टमेंट से पहले, हो सके कि वो अच्छे बेहतर रिटर्न के लिए कुछ अपने अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सके और अच्छा खासा रिटर्न वहां से गेन कर सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो ने हेल्प करी हो कुछ समझने में, लाइक करना ना भूलें और जैसा कि दूसरों के साथ शेयर तो करना ही चाहिए अगर वो फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय हिंद।